तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। गिव इट टू मी लाइक जो आज की मेरी वीडियो है वो है हेयर ऑयल पे। तो मैं सिर्फ वही वीडियो बनाती हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हो कि आप इस पे बना दें, उस पे बना दें। तो इस तरह तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं इस पे बना दें, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है मेरा होता है कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं, आप ही कोई बेस्ट हेयर ऑयल बता दें, आप ही हम कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करें जिससे हमारे बाल लंबे हों, जिससे हमारे बाल घने हों, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा मैं उसके लिए एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। पहले मैं बताती हूँ कि जो हेयर ऑयल होता है वो बहुत किस्म के होते हैं। जिस तरह शैम्पू बहुत सारे किस्म के होते हैं, उस तरह हेयर ऑयल भी बहुत किस्म के होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जी आप एक हेयर ऑयल ले हैं और वो ही पूरा घर लगा रहे तो पूरे घर के बाल लंबे हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के घर में आमतौर पर सबके घर में सरसों का तेल होता है, जस्ट लाइक सबके घर में मस्टर्ड ऑयल होता है, सबके घर में होता है। और हम सबको लग रहा होता है कि हम ये वाला ऑयल लगा रहे हैं तो हमारे बाल बहुत लंबे हो, हमारे बाल घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, टूटना बंद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जैसे शैम्पू का अलग अलग हिसाब होता है ना, ऐसे ऑयल का भी अलग अलग हिसाब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैं जो हूँ ना वो मिक्स करके ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं कोई स्पेशल ऑयल बनवा नहीं सकती, क्योंकि जहाँ मैं यूएसए में रहती हूँ वहाँ पे जाके आप स्पेशल ऑयल निकलवा नहीं सकते। लेकिन जहाँ आप लोग रहते हैं, आप लोग पाकिस्तान में या कहीं भी रहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ईजी है कि जो फ्रेश अपनी आंखों के सामने ऑयल निकलवाते हैं वो निकलवा यूज़ करती हूँ। मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल लेती हूँ, थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल लेती हूँ, और उसके अंदर ही थोड़ा सा ये ब्लैक कैस्टर ऑयल मिक्स कर देती हूँ। तीन ऑयल को मिक्स करके मैं अपने बालों में लगाती हूँ। और जब मैं मतलब मुझे कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं था या फिर मेरी अभी जर्नी स्टार्ट हुई थी बाल लंबे करने की, तो मैं जो थी ना बस ऐसे ऑयल लगा लेती थी, बस बाल खोले और ऐसे लगा के हाथ लग गया, तो इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं कहती थी ऑयल भी लगाती हूँ। इवन जस्ट लाइक जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे इतना क्रेज़ था लंबे बालों का, इतना क्रेज़ था कि मैंने लिटरली, ये सच्ची बात है, मेरे पापा सऊदीया में होते हैं तो उन्होंने हमें ज़्यादा सारे ऑयल भेजे थे ना, ऑलिव ऑयल, क्योंकि सऊदीया में से जो भी आता है ऑलिव ऑयल लेके आते हैं। तो ये ऑलिव ऑयल की बोतल थी, तो मैंने नेट से सर्च किया कि बाल कैसे लंबे होते हैं, तो उधर कोई एक आयत आ रही थी, काफ़ी लंबी आयत थी। तो मैंने सोचा मैं तो थक जाऊंगी, मैंने अपनी आप ही को कहा प्लीज़ प्लीज़ ये दो बॉटल्स में मुझे आयत पढ़ दो, मैंने बाल लंबे करने। उन्होंने आयत पढ़ी, तो इतनी देर लगा के आयत पढ़ के दोनों पे दम कर दिया, दोनों ऑलिव ऑयल पे। तो मैंने लगाना शुरू कर दिया सर पे, और जब मैंने लगाना शुरू किया मेरे बाल आने की जगह झड़ना शुरू हो गए। मैं इतना परेशान कि ये, और वो उसने बताया था कि ये आपने इस पे दम करना है और आपने रेगुलरली 2 हफ्ते ऑयल लगाना है रेगुलरली। तो अब हमने स्कूल भी जाना होता था, ट्यूशन भी जाना होता था, मैं कहती थी ये क्या करूँ, ऑयल लगा के ही मैं जा रही होती थी, अपनी इतनी सेक्रीफाइस की मैंने। 2 हफ्ते बाद यकीन करें मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए, इतने पतले हो गए। मैं अपनी मामा को बताया, अच्छा मैंने मामा को नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। मामा बस कहती थी बेटा ऑयल तो उतार लो, मैं कहती मामा नहीं है मुझे ठीक है, स्मेल नहीं आ रही। मामा ने कहा ठीक है। इवन मैं नहाती थी और नहा के फिर ऊपर दोबारा ऑयल लगा लेती थी, ये हाल था मेरा। तो मैंने मामा से बताया, मामा ऐसे किया मैंने, मामा कहती ओ माय गॉड बेटा ये ऑलिव ऑयल होता है वो गर्म होता है, तो आप गर्म चीज़ गर्मियों में बालों में लगा रही तो गंजे ही हो गए। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने थोड़ी सी अपनी रिसर्च की और उसके बाद मैंने अपना वो जो रेमेडी है ऑनियन एंड प्याज वाली वो यूज़ करना शुरू की और ऑयल लगाना शुरू किया। ऑयल तब मैं ये वाला नहीं लगाती थी, आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो वेल एंड गुड, इंडिया में रहते हैं जहाँ भी रहते हैं आपको इजीली मिल जाएगा। एक तो होता है ना बाज़ार वाला, मतलब उसमें केमिकल होता है बाज़ार वाला, कोकोनट ऑयल हो गया, बादाम का तेल हो गया, उसमें उन्होंने केमिकल डाला होता है। तो आप कोशिश, अक्सर मार्केट बनी होती है वहाँ पर जाके आप अपनी आंखों के सामने वहाँ पर 1 किलो बादाम लें उसका तेल निकलवाएँ फ्रेश, 1 किलो नारियल ले लें उसका तेल निकलवाएँ और उसको आपस में एक मतलब अलग अलग बॉटल ले लें या एक में मिक्स करवा लें और वो आप अपने बालों में लगाएं। तकरीबन आप पूरा महीना यानी कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन लगा लें, पूरा महीना लगाएं और गारंटी शाइनी और लंबे बाल होंगे। तो सरसों का तेल है, इससे आपके बाल सिर्फ, ये जो सरसों का तेल है ये सिर्फ आपकी उस चीज़ को पूरा करेगा कि लाइक अगर आपके बाल थोड़े से ड्राई हो रहे तो थोड़ा सा ऑयली कर देगा। इससे आपके बाल हेल्दी नहीं होंगे, लंबे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। अगर आपने लंबे करने हैं, हेल्दी करने हैं, तो आप वो कोकोनट ऑयल और बादामों का तेल वो जो है वो निकलवा के फ्रेश वो लगवाएं।
अगर आप दूसरा लगाना शुरू करेंगे तो उसका इतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फौरी रिजल्ट चाहिए तो आप फ्रेश बनवा के लगाएं, तो आप फ्रेश बना के लगाएं, तो उसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अपने किसी घर में बड़े को कह दें, बाबा को कह दें, भाई को कह दें, वो आपको इजीली निकलवा के ला देंगे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है कि लाइक वो ऑयल आपको 3000 का पड़ जाएगा और वो इतनी बॉटल बन जाती है, लाइक 1 किलो बादाम लेंगे ना आप तो वो इतनी बॉटल बन जाती है। बाल बड़े करने थे तब मैं वो लगाती थी, अब मेरे बाल बड़े हो गए हैं, अब मुझे मैं इतने में ओके हूँ क्योंकि मैं इतने संभाल लूँ बहुत है, तो अगर मैं चाहूँ तो वही ऑयल लगाना शुरू कर दूँ और मेरे बाल और लंबे हो जाए, लेकिन मैं अब स्टॉप कर दिया। मैं कहती हूँ बस इसको संभालना है, इसको ही हेल्दी रखना है, तो सिर्फ हेल्दी रखने के लिए जो ड्राइनेस है वो दूर करने के लिए मैं जैतून का तेल, सरसों का तेल और कैस्टर ऑयल मिक्स करके इसको लगाती हूँ मैं, दैट्स इट, और मैं कुछ नहीं करती। और ऑयल लगाए हुए मुझे काफ़ी अर्सा हो जाता है, लाइक कभी कभी तो 2 हफ्ते नहीं लगाती मैं ऑयल, क्योंकि जो पहले आप केयर कर लेते हैं ना तो वो आगे जाके काम आती है। तो जो मैंने पहले केयर कर ली ना, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी और मुझे और कोई काम ही नहीं था, मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती थी, तो मेरा टारगेट था कि कम से कम हिप्स तक बाल आए, हिप्स तो कवर हों कम से कम, ये मेरा टारगेट था, तो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। अब मैं चाहूँ तो उसको और लंबा कर सकती हूँ, चाहूँ तो इतने ही रहने दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अब केयर ही नहीं करती, कभी कभी लगा लेती हूँ कभी कभी नहीं लगाती। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि आपने बाल लंबे करने हैं और बहुत जल्दी करने, आपकी शादी है, कुछ भी है, बादाम का तेल और नारियल का तेल फ्रेश निकलवा के लगाएं, 3000 की एक बोतल पड़ेगी और आप उसको लगाना शुरू करें, इंशाल्लाह जब आपकी बोतल ख़त्म होगी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। ये होगी ऑयल की बात कि मैं पहले कौन सा लगाती थी और आप कौन सा लगाती हो, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है कि जी आप ऑयल ले आए और असर उसका फिर नहीं हो रहा, 3000 मेरा ज़ाया हो गया। फिर आप मुझे ये कमेंट करेंगे जी हमने फ्रेश ऑयल निकलवाया, 3000 का निकलवाया, अब हमें असर ही नहीं कर रहा वो। तो अब मैं बताती हूँ, आपने कभी भी खुद से ऑयल नहीं लगाना, खुद से आप हल्का हल्का कैसे करेंगे और थक जाएंगे आप। आपने हमेशा अपनी मामा, अपना भाई, अपने पापा, कुछ भी किसी को भी कह देना हमें ऑयल लगा दो, और ऑयल ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे ऑयल लगे, लेंथ पे अगर आप ऑयल लगाएंगे उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं, लेंथ पे अगर आप ऑयल लगाएंगे तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, तो आपने यहाँ पे सारा ऑयल लगवाना है, यहाँ पे ऐसे मांग निकाल निकाल के सेंटर सेंटर में ऐसे ऑयल लगवाएं, सारा अच्छे तरीके से अच्छे से मसाज करवाएं अपने सर का आधा घंटा। मैं जो थी ना मेरी मामा, तो मैं जो थी ना मैं पता क्या करती थी कि आधा घंटा या घंटा ऑयल लगवा लेती थी मैं अपनी कामवाली के आगे बैठ जाती थी, मैं कहती थी जब तुम सारे काम कर लोगी ना तो तुमने मेरे पास आ जाना, वो आ जाती थी, मैं कहती थी ऑयल लगा दो, वो साथ साथ मुझसे बातें करती थी, साथ साथ मैं सुकून, और इतना रिलैक्स हो जाता है बंदा एक घंटा ऑयल लगवाने के बाद, एकदम मतलब दिमाग रीसेट हो जाता है। इवन हमारे घर में कोई भी आता था ना, मामा की फ्रेंड आ रही है, कोई भी आ रहा है, मैं कहती थी आपको ऑयल लगाना आता है, वो कहती लैब मुझे तो बड़ा अच्छा लगाना आता है, मैं कहती थी मुझे लगा दें, तो मेरी आप ही कहती होती थी क्या तुम सबके आगे बैठ जाती हो, मुझे तो अजीब लगता है कि मैं बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे फ़ायदा चाहिए था और आज आपके सामने है मेरा फ़ायदा। तो ये थी मेरी कुछ सच्ची सच्ची बातें, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो आई होप अब आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जिसको नहीं समझ आई, कि जब मैं पहले में जब मैंने बाल लंबे करने थे तब मैं नारियल का तेल और बादाम का तेल लगाती थी फ्रेश, जब मैंने बाल लंबे करने थे, और अच्छे से मसाज करवाती थी, हफ्ते में 2 दिन लगाती थी। अब मेरे बाल लंबे हो गए, अब सिर्फ उसकी केयर करने के लिए मैं सरसों का तेल और जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैंने दो बातें आपको बता दी, दो बातें ये बता दी, और तीसरी बात सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट बात कि अच्छे से मालिश करवाया करें बालों में। और मैं जो हूँ ना, अब मामा तो है नहीं है और मेरी यहाँ पे कोई मालिश मुलिश तो करता नहीं, तो मैंने ये मंगवा के रखा भाई, ये मसाजर होता है, अपने बालों में ऐसे ऐसे मसाज करें, इससे भी बहुत सुकून मिल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा सुकून आपको आपकी मामा के हाथों से मिलेगा अगर आप उनसे करवाएंगे। अगर आपकी मामा नहीं करती, कोई भी बंदा ढूंढ ले कि बस मुझे मसाज कर दो सर में, जब आपके मसाज होगा ना सर में, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। जैसे कि छोटे बेबीज होते हैं ना, तो जैसे शेजिल थी उसकी बिल्कुल टिंड सी थी, तो मैं उसको हमेशा ना थोड़ा सा नीम गरम ऑयल करके ना फिर इस सर पे लगाती थी कि उसका क्विक रिजल्ट आ। आप लोग भी हल्का सा नीम गरम करके उसको ऑयल लगाएंगे तो वेल एंड गुड, सर को सुकून भी मिल जाएगा, आराम भी मिल जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा। तो ये था मेरा ऑयल का सारा, तो ये थी मेरी ऑयल की सारी रेमेडी और सारा कुछ मैंने बता दिया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर दूँगी। और मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग
एक टाइम में, हमेशा मैं आपको कहती हूँ एक टाइम में सिर्फ एक चीज़ करनी, या तो आप बाल लंबे कर लें, या तो आप बाल स्ट्रेट कर लें, या आप बाल हैवी कर लें, या आप गंजापन है तो वो दूर कर लें, सिर्फ एक काम होगा। ये नहीं कि जी शाइनी भी हो, लंबे भी हो, घने, ऐसी कोई रेमेडी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर आपको कोई कहता है ना ये करो तो सब कुछ हो जाएगा, तो वो झूठ है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो अनियन और राइस वाला जो मैंने रेमेडी बताई थी, बहुत सारे लोग उसमें कमेंट भी कर रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छा रिजल्ट था, तो वो करके आपके बाल सिल्की नहीं होंगे, आपके बाल लंबे होंगे और फूल जाएंगे। अब जब आप लंबे कर ले और फूले हुए होंगे, फिर आप उसको स्ट्रेट कर सकते हैं, मजबूत बाल होंगे आपके वो, चाहे आप उसको कैरेटिन करवा लें बाद में, जो मर्जी करवा लें। क्योंकि मेरे इतने फूले और मजबूत लंबे बाल थे तो मैंने कैरेटिन करवा ली कि थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन ये करना बेवकूफ़ी होता है, आप लोग को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि कैरेटिन करवाएं, उससे बाल बाद में पतले हो जाते हैं। तो या मैंने अपने बालों के साथ बहुत सारे पंगे लिए हुए हैं, तो जो जो मेरी अच्छी और कामयाब रेमेडीज़ हैं मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप लोगों का भला हो जाए, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। सो मैं आपके लिए इस तरह न्यू वीडियो लाती रहूँगी। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं आप ये, तो जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है मैं सिर्फ उसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ, बिकॉज मेरी अपनी भी लाइफ है, मैंने अपनी बेटी को टाइम देना होता है, मैंने घर को टाइम देना होता है, मैंने जॉब को टाइम देना होता है, और फिर मैं आप लोगों के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो या ये तो मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।